आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ेगा सर्दी का सितम, इन राज्यों में दिखेगा कोहरे का कहर। उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से अपर शीतलहर की चपेट में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में घना से अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने के आसार है। वही मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे की संभावना जताई है। वह उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच है। विशेष रूप से पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में बहुत ठंड जो है बढ़ गई है। इस बीच उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वह मौसम विभाग के IMD ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा है कि देश की में गंगा के मैदानी इलाकों में निचले सूर्यमंडल के स्तर पर ज्यादा यहाँ पर नमी और हल्की हवा के बने रहने के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और UP में ज्यादातर इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान रात तो सुबह के वक्त यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने के आसार है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक यहाँ पर पंजाब हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। जबकि अगले 2 दिनों तक यहाँ पर रात और दिन यहाँ पर सुबह में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और इसके अलावा बिहार, उपमाले, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, त्रिपुरा में भी यहाँ पर घना कोहरे की स्थिति की भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। वही मौसम विभाग के IMD ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति है। जबकि 2 दिन के दौरान यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी शीतलहर बढ़ने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल और भारत के दक्षिण राज्यों में कई जगहों पर मध्यम बारिश की भविष्यवाणी जो है वो की है, यानी हल्की मध्यम बारिश जो है वो हो सकती है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में शीतलहर की स्थिति कुछ इलाकों में भी नजर आ रही है, वही कुछ इलाकों में गंभीर शीतलहर की स्थिति भी देखी गई है। दरअसल राजस्थान के जिलों में ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। इससे यहाँ पर सर्द हवाओ से राजस्थान में ठिठुरन जो है बढ़ चुकी है। वही नए साल शुरू होने से पहले राजस्थान में सर्दी का सितम बढ़ गया है। राज्य के कई इलाकों में कल रात तापमान 5 डिग्री से नीचे लौट गया। वही तापमान में गिरावट से प्रदेश में ठिठुरन जो है बढ़ चुकी है। वही रात यहाँ पर बीती रात चूरू है प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, यानी न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वह मौसम विभाग के मुताबिक कल रात यहाँ पर पिलानी में यहाँ पर तापमान जो है वो 2.2 डिग्री रहा। बीकानेर में 3.2 और सिरोही में 4.2, नागौर में 4.4 और करौली और सीकर में पारा जो है 4.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 6.8 और फलौदी में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में से एक माउंट आबू हिल स्टेशन पर पारा लगा था, दूसरे दिन 0 डिग्री दर्ज जो यहाँ पर किया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक गंगानगर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान जो है घटकर 15.6 डिग्री पर आ गया है। वही राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहा। वही 10.2 डिग्री कुछ इलाकों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो यहाँ पर जयपुर में दर्ज किया गया है। वही कल सुबह राजस्थान के इलाकों में कोहरा यहाँ पर छाया रहा। वही मौसम वैज्ञानिकों ने गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, सीकर में कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी जो है जारी की है। वह जयपुर मौसम विभाग केंद्र के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण उत्तरी हवाएं जो है वो मैदानी इलाकों में पहुंचने लगेगी। इससे नए साल के मौके पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जो सर्दी है वो और तेज होने की आसार यहाँ पर जताए गए हैं। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की, तो आखिर MP का मौसम कैसा रहेगा पिछले 24 घंटों में। तो बता दें आपको कि आने वाले 24 घंटों में और पिछले 24 घंटों के MP के मौसम की बात करें तो MP में भी सर्दी का सितम जो है अभी तेज होने लगा है। वही पूर्वी मध्य प्रदेश में तो कुछ इलाकों में तापमान लुढ़का है, तो कुछ इलाकों में तापमान में यहाँ पर उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बात यू है कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान
मौसम का अलग ही देखने को जो है मिला है। इसके साथ ही शनिवार को यहाँ पर पश्चिम मध्य प्रदेश में रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। उधर पूर्व मध्य प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक महाराष्ट्र से लेकर रीवा तक बने एक ट्रफ के कारण हवाओं का अलग रुख की स्थिति ऐसे अलग अलग रुख के कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है। पर मौसम का इस तरह का मिजाज कभी कभार यहाँ पर देखने को मिलता है। इधर राजधानी में रात का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक कल यहाँ पर भोपाल में तापमान जो है 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। हालांकि यह यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तापमान के पिछले दिनों से तापमान में यहाँ पर कम रहा है। तापमान में गिरावट का जो दौर है अभी जारी है। एमपी के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो आखिर बिहार के मौसम को लेकर क्या अपडेट है, तो बता दें आपको कि बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 7 शहरों में पारा जो है 10 डिग्री से नीचे चला गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में ठंड का कहर भी शुरू हो चुका है। रोजाना सुबह यहाँ पर पटना समेत कई इलाकों में कोहरा वगैरह छाया रहता है, यानी कोहरा है वो कोहरे के आगाज में जो इलाके हैं वो समाये रहते हैं। वही कोहरे के कारण पहले से कई फ्लाइट्स और ट्रेनें भी रद्द यहाँ पर हुई है। वही दिसंबर का आखिरी सप्ताह है और मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों में जो सबौर इलाका है सबसे ज्यादा ठंडा बिहार में रहा है, यानी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही मौसम विभाग केंद्र के अनुसार सूबे के 19 जिलों में 24 घंटों में यहाँ पर कोहरे का कहर देखने को मिला। यहाँ कोहरे का कहर जो है वो जारी रहा। वह अगले 1 से 2 दिनों में ऐसा ही यहाँ पर मौसम रहने की बिहार में संभावना जताई गई, यानी कोहरा वगैरह छाया रहने के आसार है। बात अब कर लेते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मौसम अपडेट की। तो आखिर यूपी का मौसम कैसा रहेगा, तो बता दें आपको कि यूपी में बारिश के बाद हवाओं ने बढ़ाई है गरज। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में फिर यहाँ पर तेज सर्दी सताएगी। दरअसल मौसम में हुए बदलाव के कारण राजधानी लखनऊ आसपास के क्षेत्रों में हवाएं चलने के कारण सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। वही कल रात हुई बारिश के बाद सर्द हवाएं जो है इसके चलने के कारण लोगों के गलन यहाँ पर लोगों को गलन जहाँ दिक्कतों का सामना गलन और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वही कोहरे से जरूर निजात यहाँ पर मिली है, यानी कुछ इलाकों में कोहरे से निजात मिली है बारिश होने के कारण। वही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। वही कल रात जो है ठिठुरन में इजाफा दर्ज किया गया। मौसम विभाग केंद्र ने प्रदेश में बूंदाबांदी को लेकर चेतावनी दी है। आंचलिक मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के मुताबिक आज भी राजधानी समेत कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती है।